दोस्तों, इस दुनिया में लगभग 3 लाख तरह की बीटल्स की प्रजातियां पाई जाती हैं, और यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि यह सब अपने अपने काम में माहिर हैं। इन्हीं में से एक प्रजाति बूम बैडियर बैटल, यह प्रजाति सबसे खतरनाक इंसेक्ट्स में से एक है, क्योंकि यह अपने एब्डोमिन में से तेजाब की स्प्रे करता है। अब यह तेजाब कौन सा है और किस प्रकार का होता है, यह हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं, और यह भी कि अपने पेट में इतने खतरनाक तेजाब को ये कैसे रख लेते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हो द रेयर इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, प्रकृति ने अगर शिकारी को शिकार करने की एबिलिटी दी है, वहीं दूसरी तरफ शिकार को भी शिकारी से बचने के लिए कुछ ना कुछ तोहफा जरूर दिया है, जैसे किसी को रफ्तार और किसी को बहुत ही खतरनाक जहर। ऐसा ही कुछ माँ प्रकृति ने इस जीव को भी दिया है। इस बूम बैडियर बैटल के पेट में 2 तरह की जलाशय होती है, जिनसे निकलती है इसके पेट में मौजूद 2 तरह के केमिकल कंपाउंड, हाइड्रोक्वेरिन्यून एंड हाइड्रोपेरोक्साइड। जब यह दोनों केमिकल्स अलग अलग होते हैं तो तब यह बिल्कुल सामान्य होते हैं, यानी बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होते, लेकिन जब यह दोनों आपस में मिल जाते हैं तो यह एक तरह का बहुत ही घातक तेजाब बनाते हैं, जो कि लगभग 100 डिग्री सेल्सियस जितनी गर्मी बना सकता है। इसकी कल्पना आप ऐसे कर सकते हैं, आप पर कोई उबलता हुआ पानी फेंकते तो आपको कैसा लगेगा, बिल्कुल ऐसी ही गर्मी इस तेजाब में होती है। वैसे तो बूम बैडियर बीटल्स भी मांसाहारी ही होते हैं, पर जब कोई शिकारी इनका शिकार करने आता है, जैसे चींटियां इत्यादि, इन पर यह इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अगर तो शिकारी एक ही स्प्रे में भाग जाता है फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो ये लगातार 20 स्प्रे तक कर सकते हैं। ये अपने स्प्रे वाले पॉइंट को उस शिकारी की तरफ करता है और लगातार 20 स्प्रे उस पर मार देता है, उससे जहाँ तो शिकारी मर जाता है या भाग जाता है। और आपको बता दे कि यह तेजाब इतना खतरनाक होता है कि चींटी जैसे शिकारियों को मिट्टी में मिला दे, मतलब डिसॉल्व कर दे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक स्प्रे का प्रेशर कर बनाने के लिए इनको लगभग 500 तक पल्स रेट को पहुंचाना पड़ता है। इनकी सामान्य पल्स 70 तक होती है। वैसे तो यह जीव लकड़ियों में और ठंडी जगहों पर रहना ही पसंद करते हैं, पर कभी कभी अंडे देने के लिए यह सूखी जगहों पर भी आ सकते हैं। इनसे इंसानों को तो कुछ ज्यादा खतरा नहीं है, पर कुछ हद तक हो सकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इस बीटल के बारे में जानकर? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने 3 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही और भी वीडियोस लाता रहूं।